आ रहा है इस खेत में। भी चल रहा है फोटोशूट। पिशाचनी का ये अड्डा लग रहा है। अब हम भी जाते हैं। वाह रे डरू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो वहाँ पे जाके फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। हम लोग आ चुके हैं अगेन सोनपुर मेला। आप देख, थोड़ा सा क्लिप मतलब कुछ कुछ बाकी रह गया था, इस वजह से कवर करने आए। कुत्ता बाजार नहीं गए तो और भी तीन चार चीज़ बाकी था जो कि नहीं गए थे रचना कुरवाल चैनल पर डालने के लिए, इस वजह से आए हैं। और आज ना सब कुछ दिखाएंगे पूरी डिटेल्स में इस ब्लॉग में, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में ना बात करते ही रह गए थे और कुछ खास दिखाए। आज जहाँ जहाँ जाओगे ना सब कुछ दिखाना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पिज्ज़ा। तैयार है, हाथ को कैसे करके रख लिए। मेला का पिज्ज़ा है तो ऐसा ही होना है। ऊपर से प्याज डाला हुआ है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ना, एयर सेलिंग सेलिंग वगैरह हो रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं जो कि क्लिप पे आगे ऐड कर दूंगी। और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे देखने में। मजा आ रहा है चढ़ने में, चढ़ने का हिम्मत नहीं हो रहा है, बट बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ ले चुके हैं हम। अब थोड़ा सा बस एक दो और ये इंट्रो वगैरह बोलना है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे एक और एयर सेलिंग तैयार किया जा रहा है, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, अभी ये उड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे उड़ने वाले हैं, देख सकते हो। वाओ, बस 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 आ गई। सिम्बा, सिम्बा नाम है इसका, सिम्बा। धूप है ना यहाँ पे, कंठ सूख रहा है, बहुत ज्यादा कंठ सूख रहा है, बहुत थक गए। मजा भी आ रहा है, बहुत देख के ही मजा आ रहा है। हाँ। अरे सब बाल छोड़ो। मजा आ रहा है, खूब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। खांसी हो रहा है, मजा आ रहा है, खो रहा है धूप में ठंडा पे। और क्या, और अभी जाएंगे हम लोग कहीं और, वहाँ भी बड़ा मस्त वाला कुछ है। हाँ, वाटर वाला है। वाटर 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 मेलन। यहाँ पे एक लड़का है जो हमको पसंद है। बहुत स्मार्ट है। छोड़ो, उसके मम्मी पापा से मन कर रहा है डायरेक्ट जाके बात ही कर ले। उसके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं एक कुत्ता को लेके। बोलेंगे हाय आंटी, कुत्ता भी बहुत स्मार्ट, लड़का से ज्यादा हमको कुत्ता अच्छा लगा। मन कर रहा है उसका कुत्ते चुरा के चल जाए। कुत्ता बहुत अच्छा है। हाँ, कुत्ता बहुत। क्या बज रहा है ये? जा रहे हैं अभी मंदिर, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी है, मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। भगवान को चढ़ाने के लिए चुनरी उन्नी जो भी होता है, गंगा जल का बोतल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, देख सकते हो। वाह यार, कितना प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पे प्रसादी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, चुनरी वगैरह सब। ये है काले घोड़े की अंगूठी, जहाँ पे आप अपने भूत पिशाच को भगा सकते हो। लग रहा है सामने से मंदिर देखने में, देख सकते हो यहाँ पे टीका वगैरह लगाया जा रहा है। ये हवा मिठाई, पैसा दिया जा रहा है। बहुत दिन से हम लोग का मन था खाने का, उस दिन मेला में देखे थे, बैठाए नहीं। अभी खाएंगे कहीं पे रुक के। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। वोटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं कितना दूर है। फिर लोग बोलेंगे ना पैदल चलते चलते पूरा सोनपुर मेला ही खत्म कर। हाँ, क्योंकि उस टाइम ही दिखाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। मैं वैसे ही दिखाती हूँ। पिशाचनी का ये अड्डा लग रहा है। रास्ते में ब्लॉगिंग वाले, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी आगे, इधर इधर नजारे देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है। पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा है, बैक कैमरा से दिखा है क्या। चलते हैं आगे 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 आगे। इंट्रो बोल लेते हैं। क्या चीज का इंट्रो बोल लेते हैं, तो मिलेगा पहले तब तो।
अभी कब कहाँ लास्ट है वो पता ही नहीं। वोटिंग करने के लिए और दीदी जा चुके हैं, मैं एक सेकंड दिखाती हूँ। अब हम भी जाते हैं। वाह रे, डर भी लग रहा है। बाप रे दीदी, हिले सुनाओ। और फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, उनको डर लग रहा है यार। कैसा लग रहा है दीदी? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आने वाला। ट्राइपॉड में लगाते हैं, उसके बाद एंजॉय करते हैं, पूरा घूमेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बहुत नजारा दिखाती हूँ, देख सकते हो। वाह यार गाइस, अभी चलना स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग का देख सकते हो, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा है। डर लग रहा है? इधर इधर और खिसक जाओ, बैलेंस बना रहेगा। मजा आ रहा है, मजा। अचानक को आता है ये, तुम ही घुमा रही हो। हाँ। मस्त घूम रहे हैं अभी हम लोग, पूल के पास पहुंच गए। देखिए मेरे वजह से नाव चल रहा है। हाँ। ओला सब कुछ लगा हुआ है, तो मजा आ रहा है बैठने में। बहुत दिन के बाद झूल रहे हैं हम लोग, देख सकते हो। कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही मजा। हाँ, मेला में सोनपुर मेला बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एक दो दिन में तो कवर आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है आपको यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी कुछ ऑर्डर करेंगे, मस्त खाएंगे यहाँ पे। खाएंगे दीदी? यहाँ पे खा नहीं सकते? खा सकते हैं, फोटो वोटो शूट करने वाला बड़ा बढ़िया बाइक सब दिया गया है। तो पहले खाएंगे, उसके बाद फोटो वोटो शूट करके मस्त चलेंगे। शाम तो रात हो जाएगा, 8-9 बज जाएगा। और आज पता नहीं ब्लॉग जा पाएगा या नहीं। आज नहीं, कल जाएगी ब्लॉग। तो बहुत ही आप लोग को मजा आने वाला है इस ब्लॉग को देखने के बाद। तो चलिए अब कुछ ऑर्डर करते हैं, खाना वाना फिर खाते हैं। अभी चल रहा है फोटो शूट। गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली खाने में, खाना खाने के लिए। यहाँ पे गंगा किनारे के बहुत ही बढ़िया आलिशान सा रेस्टोरेंट है, नया खुला है, एकदम नया खुला है। अभी जो झूला वूला हमने आपको दिखाया, उसी तरीके मैं थोड़ा सा ओवरऑल दिखाती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, न्यू बस ओपन हुआ है। अभी ऑर्डर किए हैं वो तंदूरी रोटी और तंदूरी बटर, कढ़ाई पनीर में आएगा। फिर हम लोग को जाना है कहीं और वीडियो शूट करने के लिए। अभी फिर से मैं खाना का ही दिखा रही हूँ, बार बार मैं खाना का, लेकिन आज तो दिखाएं सब कुछ, है ना। और मेरी हालत अब देख सकते हो किस तरीके की हो गई। यही हो जाती है सोनपुर मेला जब भी आते हैं ना, बिना नहाए धोए बिना मंदिर में नहीं जा पाए अंदर, क्योंकि एक तो जूता उता पहने थे, खोल के जाना पड़ता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, नहा के नहीं आए थे, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लोग आ चुका है खाना, देख सकते हो, कढ़ाई पनीर और बटर नान। तो अब जल्दी से खाएंगे। रचना खा रही है, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब है अच्छा, चलिए खाते हैं और मिलते हैं कुछ देर बाद। तो आप इस तरीके से पूरा कितना बड़ा फूल गया, बाप रे, बहुत ही आलीशान लग रहा है यार, बहुत। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप इस हॉट एयर बैलून को देखने के लिए। रहा है इस खेत में स्पेशली ये जो है ना फीलिंग, बिल्कुल खेत वाली आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मजा सच में। हाँ। गांव जैसा लग रहा है, गांव जैसा, अपने गांव जैसा फीलिंग है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सारे मिथिलांचल से हैं। हाँ, जो तो इसके मैनेजर हैं, ओनर हैं, वो सारे मिश्रा हैं। तो थोड़ा ज्यादा, हाँ, अंकल बुलाए थे हम लोगों की ये वाला स्टार्ट होगा, टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दिए थे। तब तक हम लोग उधर साइड से गए थे, वीडियो वगैरह बना के आए। अपनापन जैसा लग रहा है यहाँ पे आके, ऐसा नहीं फील हर कोई पहचान रहा है, तो बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे चेक किया जा रहा है, ऊपर में आप देख रहे होगे, उड़ रहा होगा, दिवाली वाली फीलिंग आ रही है। पूरा हवा भरा जा रहा है, वो आग से ना पूरा भरा जा रहा है। पीछे दिखाइए, दिखाओ पीछे। आज बहुत एंजॉय किया, उस दिन से भी जाता ना बहुत ज्यादा, जो कि हम लोग आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मन बना लिया तो बहुत मजा भी आया है। और यहाँ पे आज खत्म होने वाला है ये सब चीज, ये वाला रहेगा दो दिन और रहेगा, और वो वाला कल खत्म हो जाएगा। हाँ, ये वाला दो दिन रहेगा और वो वाला कल खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है सोनपुर मेला में। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हो ना, तो अब बहुत लेट हो जाने वाला है, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई जिंदगी में चलती ही रहती है, बस थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। हम लोग इसलिए संडे को आए क्योंकि दीदी का छुट्टी रहता है, इस वजह से। बहुत मजा आया, पीछे दिखाओ,
हाँ। यहाँ पे ये सब देख लिए हैं और अभी हम अभी लोग जाने वाले हैं। सारे लोग अब इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग को तो चढ़ना नहीं है। साढ़े पाँच बजने ही वाले हैं। साढ़े पाँच नहीं बजे, अभी 4:30 हो रहे हैं। 4:37 हो रहा है तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे 5 बजे। हाँ। और ट्रेन भी है 6 बजे, 6:15 में शायद ट्रेन है, तो वहाँ निकलना है। भीड़ देख सकते हो आप। और एक ही ट्रेन है, छूट गया तो छूट ही गया। हाँ, तो इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाना है यहाँ से। और इतनी भीड़ है ना, बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि संडे है आज का दिन, और संडे के दिन बहुत सारे लोग मेला घूमने आते हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है ना, तो इसमें आदमी का पता नहीं चलता है कौन कहाँ रहता है। बहुत बड़ा फील्ड। चलिए अब मिलते हैं ट्रेन में, डायरेक्ट ट्रेन में ब्लॉगिंग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, क्योंकि अब पता नहीं कब मौका मिलेगा। अपना ट्रेन है, क्यों नहीं करेंगे, अपना ट्रेन है। इतनी भीड़ देखते ही हम लोग का पूरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑटो बुक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से बस, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था इस वजह से।